So, good morning students, welcome back to our online classes. और लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था रिकॉर्डेड स्पीच, इसका एडजेक्टिव सेंटेंस के बारे में हमने जानकारी ली थी और आज हम देखते हैं इंटरोगेटिव, तो नंबर सेकंड वाला टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ ये सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस से एक तो स्टार्ट हो गए आपके स्टार्ट्स, एक तो हेल्पिंग वर्ब से और एक होगा डब्ल्यूएच वर्ब से, ये ध्यान देंगे। और जब सैड और सैड टू अगर यहां आता है तो उसके प्लेस पे आपको आस्क का यूज करना है, इसका यूज करना है आस्क। और अगर इन जो एडजेक्टिव सेंटेंस का उसके अंदर यहां टोल्ड का यूज किया था और सैड का सैड भी कहा था, बट अपने को यहां आस्क का यूज करना है। और कंजक्शन वर्ड की बात अगर हम करें तो कंजक्शन वर्ड में जो हेल्पिंग वर्ब्स है, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट सेंटेंस तो आपको कंजक्शन वर्ड या तो इफ या इंक्वायर्ड ऑफ इनमें से कोई सा भी एक लगे। और डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो तो डब्ल्यूएच वर्ड ही कंजक्शन का काम करेगा, डब्ल्यूएच वर्ड ही कंजक्शन का काम करेगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यहां पर। और इंटरोगेटिव मार्क आपको करना क्या है, जो इंटरोगेटिव है इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस को किसमें चेंज करना है, सिंपल सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू जयपुर टुडे, एक सेंटेंस तो अपना ये हो गया, आंसर इसका करेंगे। सेकंड एग्जांपल देखिए आप, राम सेड टू मी कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, ए हो गया यहां, इसका आंसर दे देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इन दो क्वेश्चंस का आंसर बताते हैं आपको। सबसे पहले कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें हम जो सब्जेक्ट है उसको ऐसे कैसे राइट करेंगे, सैड टू, और मैंने आपको बताया इसमें सैड टू को हम आस्क में चेंज करेंगे और ये आस्क चेंज करेंगे। मी का मी आपको ऑब्जेक्ट ऐसे कैसे राइट करना है, अब सिंगल इनवर्टेड कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा को आपको रिमूव करना है और इसके बाद जो सेंटेंस है वो देखिए आप इससे है, हेल्पिंग वर्ब से है, तो हेल्पिंग वर्ब का कंजक्शन वर्ड हमने यहां लगा लिया इफ। और अब ये जो सॉरी ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का मार्क लगाना भूल गए, इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसको हमें सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। तो सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम इसका सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट टेंस के अंदर यू और यू विच इज द पर्सन, यू इज द सेकंड पर्सन और चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अपने पास है मी, यहां यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है सब्जेक्ट यू, तो हमें मी का सब्जेक्ट लेना है तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई, और ये आई इस यू के प्लेस पे आ जाएगा यहां इफ आई। अब हमें लेना है आर हेल्पिंग वर्ब, तो टेबल में मैंने बताया था कि एम आर जब आ जाए तो उनको वॉच वर्ब में चेंज करते हैं, यहां आई के साथ आपको लेना है वॉच, इफ आई वॉच और आई एम जी का वर्ड ऐसे रहेगा गोइंग टू जयपुर और टुडे टाइम आ गया, टाइम को चेंज करेंगे हम दैट डे, यहां आप ऐड कर सकते हैं दैट डे और फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा भी हट गई और आपका ये इंटरोगेटिव मार्क भी हट जाएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड एग्जांपल देखिए, राम सेड टू को वही आस्क में चेंज करेंगे, आस्क मी और अब फुड जो है वो भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो यहां हम ऐड करेंगे इफ और वही यू व्हिच इज द पर्सन सेकंड पर्सन मी, मी का सब्जेक्ट हो गया आई, आई आ जाएगा यहां
आई और कुड का कुड रहेगा, मॉडल जो वर्ड होंगे वो चेंज नहीं होंगे, इसलिए मॉडल वर्ड को आप जैसे है वैसे के वैसे राइट करेंगे। इफ आई कुड और हेल्प का हेल्प में रहेगा, बिकॉज मॉडल के आगे वर्ड की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है आप लोगों को। अगर यहाँ मॉडल में होता आप इसको सेकंड फॉर्म में यूज ये ध्यान रखिए, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज करनी पड़ती है आपको। और इसके बाद जो मी है, मी किसे बना हुआ है, आई से, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, और फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अपने पास है राम, प्रिंस राम को कहेंगे ही। तो आई का ऑब्जेक्ट मी आया तो मी का ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास ही, तो यहां पर क्या हो जाएगा ही। इस तरीके से आपको ये एग्जांपल कर लेंगे, ये तो एक दो एग्जांपल, अब वे डब्ल्यूएच वर्ड के एग्जांपल और बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, सीमा साइड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग हियर, आंसर लिखेंगे यहां। नंबर फोर, मोहन सेड टू देन वेयर आर दे गोइंग, वेयर आर दे गोइंग एट दिस टाइम, क्वेश्चन मार्क। दो एग्जाम्पल देखिए आप ध्यान से, यहां पर अब हम डब्ल्यू एच वर्ड का सेंटेंस लेके आएंगे, बोथ ये हेल्पिंग वर्ब के और अब डब्ल्यू एच वर्ड। तो सबसे पहले राइट करेंगे आप ये सब्जेक्ट का नेम सीमा, सेट टू को वही लास्ट में चेंज करेंगे, और हिम का हिम आएगा। रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेट टू क्या ऑब्जेक्ट हो तो ये चेंज होता है। और अब कंजक्शन वर्ड की बारी आ गई, तो कंजक्शन वर्ड डब्ल्यू एच वर्ड देखा है तो हम डब्ल्यू एच वर्ड ऐड करेंगे। अब देखिए इसको इंटरप्रेटिंग को सिंपल में चेंज करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होता है और सब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और यहां यू है तो हिम का जो सब्जेक्ट है वो आएगा ही, व्हाट ही, और आर है इज एन आर को वाज वर्ब में चेंज करेंगे तो ही के साथ आएगा वाज, क्योंकि ही सिंगुलर है, ही वाज, व्हाट ही वाज डूइंग हियर का अब आपको देयर करना है, क्योंकि प्लेस टाइम डिस्टेंस को टाइम और डिस्टेंस भी चेंज करना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए मोहन का, मोहन आप कैसे राइट करना है, सेट टू को वही आस्क में चेंज करना है और देन का देन। नेक्स्ट है कंजक्शन वर्ड, कंजक्शन वर्ड आपको डब्ल्यू एच वर्ड ही यूज करना है, जो दिया हुआ है वही। फिर वेयर आर, अब दे यहां पर थर्ड पर्सन आ गया, तो थर्ड पर्सन जो चेंज नहीं हुआ यहां पर बिल्कुल भी, तो दे का वेयर दे और आर है तो इसे बार को चेंज करेंगे पॉज वर्ड में, तो दे के साथ आ जाएगा वर, वेयर दे वर गोइंग एट दिस टाइम, या दिस टाइम का दैट टाइम हो जाएगा, इसका दैट और टाइम। ये एग्जांपल हुए हमारे इसके डब्ल्यू एच वर्ड के। अब आगे बात करते हैं गुडज और गुडज पर, नेक्स्ट देखिए आप, द टीचर सेड टू मी, The teacher said to me, "Did you not
come to school yesterday. Okay. Next example. The man said, "Do you not obey your parents?" क्या तुम अपनी माता पिता के आगे का पालन नहीं करते? एक और एग्जांपल देखिए. He said to me, "Do you not know about this topic?" क्या तुम इस टॉपिक के बारे में नहीं जानते? अब देखिए ध्यान से. आप सबसे द टीचर सेड टू मी, तो यहां पर हम सबसे पहले राइट करेंगे द टीचर सेड टू को पास्ट में चेंज कर, मी का मी राइट कर दिया. यहां तक का काम रिपोर्टिंग वर्क का हो गया. और अब नेक्स्ट देखिए, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो वही हमें क्या लेना है, कंजंक्शन वर्ब इफ या एंक्वायर्ड ऑफ भी राइट कर सकते हैं आप. वही सब्जेक्ट को पहले लेना है हमें, तो सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा यूके अकॉर्डिंग आई, और यूके प्लेस पे आएगा आई बिकॉज यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आई. अब डिड नॉट आ गया तो डिड नॉट आपका चेंज हो जाएगा हैड नॉट, हैड नॉट. और प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है, आई हैड नॉट और कम की थर्ड फॉर्म होगी वो कम ही होगी. आपकी थर्ड फॉर्म में कम होती है, कम टू स्कूल यस्टरडे, तो स्कूल का तो वर्ड ऐसे कैसे आएगा, और यस्टरडे को द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, यस्टरडे को चेंज करेंगे हम द प्रीवियस डे. नेक्स्ट देखिए, द मैन सेड आस्क्ड, द मैन आस्क्ड इफ, यहां नोट करने वाली बात है रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं देने का, तो ऑब्जेक्ट हमें मानना पड़ेगा कि आदमी ने किसी का, इस मैन ने मुझसे कहा, तो यहां मी जो माना जाएगा, मी के अकॉर्डिंग यहां पर आई, यू जो है यू मतलब आप, तो गया यहां पर आई, आई और डू के आगे नोट है तो इसको डिड नॉट में चेंज कर देंगे, इसमें चेंज कर देंगे डिड नॉट में. और जब डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है आपको ओबे का, ओबे. अगर यहां डिड नॉट ना होता तो ये ओबे सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाता, डिड नॉट ओबे योर, योर किसे बोलते हैं, यू से, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू कोई ऑब्जेक्ट. ये जैसे आई आ गए यहां, या यू का योर आया तो आई का प्रोनाउन आएगा सीधा यहां पर माई, आई का प्रोनाउन माई, यू का प्रोनाउन योर. ऊपर सेंटेंस में देखिए तो आई का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माई और पेरेंट्स, क्योंकि आदमी ने कहा कि क्या मैं अपने माता पिता के आगे का पालन नहीं करता, इसका मीन ये है. यहां नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, ही सबसे पहले आएगा आपका, वही सेड टू, इसको आस्क में चेंज करना है, और मी कंजक्शन वर्ड आपको यूज करना है बिकॉज सेंटेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुई है. और वही चलिए इसमें से हम नोट हटा देते हैं यहां से एक बार, डू यू नो अबाउट दिस टॉपिक, इतना सा ही रखते हैं इसके बारे में. ठीक है, तो यार यू जो है वो तो आई में चेंज हो जाएगा, लेकिन डू अकेला है और डू के आगे कोई नोट नहीं है, तो ये इंटरोगेटिव में जब इसका सिंपल चेंज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, उसको फिर से अगर हम सिंपल में चेंज करें तो डू हट जाता है यहां से, तो आई तो आ गया यहां पर, अब ये डू यहां से रिमूव हो जाएगा, नो का सेकंड फॉर्म न्यू हो जाएगा, नो की सेकंड फॉर्म न्यू. और अबाउट
इसका दैट अबाउट दैट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स ये थे इंटरोगेटिव वाले एग्जांपल से, और इन्हें आपके पास कोई भी ग्रामर की बुक या हमारी जो भी पीडीएफ फाइल होगी उसके द्वारा आप इंटरोगेटिव के एग्जांपल हमें चेक करवाते जाइए। आप अपने मन से भी बना सकते हैं जहां कहीं भी आपको मिले। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट इसके आगे इंपेरेटिव सेंटेंस की, ऑपरेटिव की और एक्सक्लेमेटरी। यस स्टूडेंट्स नेक्स्ट है जो थर्ड नंबर का है वो अपना इंपेरेटिव सेंटेंस, और इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट पे जो यू है वो हाइड रहता है, यू सब्जेक्ट ये हाइड रहता है, और सेंटेंस अकॉर्डिंग जो सेंटेंस का सेंस होता है उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करना पड़ता है। अब सेंटेंस में कौन से सेंस आते हैं मतलब भावों के अनुसार, तो यहाँ देखिए इस इंपेरेटिव का मीन हिंदी में बता दूं आपको, अज्ञात है या विद्यत है, इट मींस ऑर्डर देने वाला हो गया सेंटेंस आपका। तो ऑर्डर अगर आ जाए किसी सेंटेंस में तो आपको सेट टू के प्लेस पे आपको ऑर्डर्ड या कमांडेड यूज करना, ऑर्डर्ड या कमांडेड। अगर रिक्वेस्ट नजर आ रही है आपको तो वहां पर आपको रिक्वेस्टेड यूज करना होगा, रिक्वेस्टेड। और जब रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा एक बार कि काइंडली और प्लीज ये दो वर्ड आते हैं, इन दोनों को वहां से रिमूव करना है रिपोर्टिंग स्पीच। जब आप रिपोर्टिंग वर्ड में रिक्वेस्टेड लगा दो तो काइंडली और प्लीज दोनों वर्ड्स को हटा दीजिएगा। फिर बात आती है एडवाइस की, तो एडवाइस में भी ध्यान दीजिए आप यहां पर एडवाइज्ड, एडवाइज्ड और या अर्ज्ड या आग्रह करना, अर्ज प्लीज। फॉर एग्जांपल द टीचर सेड सिट डाउन द बॉयज, और सबसे पहले बात बता दूं यहां पर नोट करने वाले कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस है वो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, इससे स्टार्ट होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। और कंजंक्शन वर्ड जो ही होगा इसके अंदर कनेक्ट होगा वो होगा आपका टू, और टू जो कंजंक्शन वर्ड आता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि टू के आगे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये स्टार्ट होगा। आपको ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज नहीं कर देनी है। हाँ एक एग्जांपल तो अपना ये हो गया, एक है द डॉक्टर सेड टेक मेडिसिन इन टाइम, टेक मेडिसिन इन टाइम। नंबर थर्ड द टीचर सेड, द टीचर सेड प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब बताओ आपको सवाल कि adjective सेंटेंस में आपको मालूम चला सिंपल सेंटेंस होते हैं, और इंटरोगेटिव में आपको इंटरोगेटिव मार्क और WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ड के जरिए मालूम होता है, बट अब यहां पर आप कैसे मालूम करो कि सर ये तो सेंटेंस है वो इंपेरेटिव का है, इंपेरेटिव के लिए मैंने यहां पर आइडेंटिफिकेशन दे दी। इस तरह से अगर कोई सेंस निकलते हैं किसी सेंटेंस में ऑर्डर रिक्वेस्ट या एडवाइस तो वो जो आएंगे आपके इंपेरेटिव और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। तो यहां देखिए आप सबसे पहले द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज, तो टीचर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट नहीं करेगा बॉयज से, वो यहां ऑर्डर दे रहा है। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे द टीचर ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आ जाएगा कंजंक्शन वर्ब टू, और सिट डाउन ये जो वर्ब है जैसे जैसे आएगा सिट डाउन ordered the boys जो है अपना object उसको हम सबसे पहले यूज करेंगे यहां पर the boys to sit down, ये sit down का ऐसे कैसे आ जाएगा इसे चेंज नहीं करना है। द
डॉक्टर साहब टेक मेडिसिन इन टाइम, तो डॉक्टर यहाँ रिक्वेस्ट नहीं कर रहा आपसे, वो आपको एडवाइस दे रहे हैं. तो द डॉक्टर एडवाइज टू टैग का टैग रहेगा टू टैग मेडिसिन इन टाइम. अगर इस सेंटेंस में आगे कोई प्रोनाउन होता या कोई वर्ड होता चेंज करने वाला, टाइम होता, डिस्टेंस होता, टाइम एंड डिस्टेंस होता, तो वो आपका चेंज होता. लेकिन यहाँ कोई ऐसा वर्ड नहीं रहता जिसको चेंज करे. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए हमारा, द टीचर सर प्लीज आया फॉर द रिपोर्टेड स्पीच. ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज आ गया, तो प्लीज आने पर ये हो गया रिक्वेस्टेड. अब रिक्वेस्टेड जो है प्लीज का मुकाम पूरा कर रहा है, तो आपको प्लीज को यूज नहीं करना, रिक्वेस्टेड के आगे टू यूज करें. टू यानी कंजंक्शन वर्ड हो गया इसका. ब्रिंग का ब्रिंग और फिर आ गया मी. अब मी विच इज द पर्सन, मी इज द फर्स्ट पर्सन, आई से बना हुआ, आई से बना हुआ है. आई चेंज अकॉर्डिंग टू ऑफ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट अपने पास यहाँ पर है टीचर. टीचर यहाँ पर सी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं. तो आप यहाँ ब्रिंग मी, जैसे मी आई से बना है, तो टीचर को अगर हमने ही मान लेते तो आई का ऑब्जेक्ट मी है, तो मी का ऑब्जेक्ट होगा हिम. और अगर सी करते तो आप होता था दोनों में से. यहाँ अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट ही राइट करना होगा. फिर ए ग्लास और वाटर, इस तरीके से ये सेंटेंस जो है ऑर्डर रिक्वेस्ट और एडवाइस. अगर आपके सेंटेंस में ऐसे सेंस आए तो आपको कंजंक्शन वर्ड टू का यूज करना है और बाकी फर्स्ट फॉर्म को वैसे से रहने देना है, बाकी का चेंज आपको करना नहीं. ओके यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारे इंपरेटिव सेंटेंस के वो देखिए आप, कि अगर किसी काम को मना करने के अर्थ में, अगर आपको किसी काम के लिए मना किया जाता है, तो उस सेंटेंस में आपको जो है सेट के स्थान पर फॉरवर्ड का यूज करना है. और फॉरवर्ड का मतलब यहाँ पर डू नॉट से रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होगा. लेकिन इसमें कई बार एडवाइस भी आ जाती है जब डू नॉट से स्टार्ट होता है. हमें सेंटेंस के सेंस को सेंस सबसे पहले समझना है कि सेंटेंस में जो सेंस है, इट मीन सेंटेंस का भाव, वो क्या कह रहा है. देखिए आप, द टीचर सर डू नॉट अब्यूज एनीवन, नॉट अब्यूज एनीवन कि मना कर रहे हैं कि किसी को गाली ना दे. तो द टीचर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मीन्स हो गया मना करना. जब आप फॉरवर्ड का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको डू नॉट का यूज नहीं करना है. द टीचर फॉरवर्ड टू, अब ये डू नॉट आपका यहां से हट जाएगा, टू अब्यूज एनीवन, टू अब्यूज एनीवन किसी को गाली न दे, मना कर रहा है. जो फॉरवर्ड हमने डू नॉट को हटाया तो डू नॉट का सारा सेंस इसमें आ गया फॉरवर्ड में, इसलिए डू नॉट दोबारा आपको लगाने की जरूरत नहीं है. और सीधा टू और अगेंस्ट एनीवन, माय फादर सेड टू हिम डू नॉट वेस्ट योर टाइम. तो यहां देखिए, यहां डू नॉट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहां मना करने की बात नहीं है, यहां थोड़ा एडवाइस दे रहे हैं इसके फादर. तो माय फादर एडवाइज्ड टू मी, एडवाइस मी टू नॉट. अब यहां आपने फॉरवर्ड का यूज नहीं किया, तो ये डू तो हट जाएगा, लेकिन टू नॉट वेस्ट का वेस्ट रहेगा, टू नॉट वेस्ट योवर. अब योवर की बात आ रही है, तो योवर किससे बना हुआ है आपका, यू से. यू इज द सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी, मी बना हुआ है आपका आई से,
जैसे यू का योग आया है तो आई का क्या होगा यहां पर माई और टाइम का टाइम। ये सेंटेंस इस तरीके से स्टूडेंट्स कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें कोई भी सेंस का मालूम नहीं चलता है, हम कितना भी दिमाग लगा लेकिन ना तो उसमें कोई एडवाइस नजर आती है ना रिक्वेस्ट नजर आती है ना ही कोई फॉरवर्ड जैसी बात आती है कि वो मना करने की अर्थ आती है ना कि कोई कमांड नजर आती है। तो ऐसे सेंटेंस में अगर आपको देखा जाए तो इस तरह के सेंटेंस दिखाई दे तो उन सेंटेंस में आप सैड या सैड टू के प्लेस पे आस्क का यूज कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर सी सैड टू हिम डोंट डिस्टर्ब मी, यहाँ है बात तो डोंट डिस्टर्ब मी, ये कोई ना रिक्वेस्ट है ना ऑर्डर है, यहाँ कोई सेंस इस बात में नहीं निकल रहा। तो आप यहाँ पर सी आस्क हिम टू अब टू के आगे नॉट का यूज हमें करना है टू नॉट डिस्टर्ब मी, तो मी के अकॉर्डिंग मी आई से बना है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ सी, आई का ऑब्जेक्ट यहाँ मी आया है तो सी का ऑब्जेक्ट यहाँ आपके लिए आएगा ही। इस तरीके से ये वे इंपेरेटिव सेंटेंस। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेट वाले सेंटेंस के प्रपोज्ड वाले सेंटेंस, जो लेट के स्थान पे प्रपोज्ड और सजेस्टेड का यूज होता है वी शुड दे शुड, और इसके अलावा ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इन सब का एक वीडियो आ जाएगा कंप्लीट वीडियो। और आज के वीडियो में इतने सेंटेंस काफी है, इनके एग्जांपल की पीडीएफ या जेपीजी फाइल वो आपको होमवर्क वाले ऑप्शन में मिल जाएगी और वहां से आप एग्जांपल